नीतीश सरकार लगातार उनको बचा रही है और अपोजिशन पूरा एक राहुल गांधी की और शायद तेजस्वी यादव साथ होंगे। देखिए ये प्रदर्शन नहीं है बल्कि गूंगे बहरों को जो सत्ता के जो मदमस्त हाथी की तरीके से सत्ता पर जो बैठे हुए हैं, जो भूल गए कि जिन लोगों की ताकत ने उनको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाया है और आज कानों में रुई डालकर बैठे हैं, उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और तमाम वो लोग जो इस सोच के खिलाफ हैं, जो सत्ता की ताकत को नहीं बल्कि जनता की ताकत में विश्वास करते हैं, आज वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सर एक सवाल है सर, क्या प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी? आपका सवाल किसी के भी चुनाव लड़ने को लेकर, अगर कल आप तो मुझसे पूछेंगे या पार्टी के, सिर्फ हो सकता है कि राहुल जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष या मेरा परिवार जानता होगा कि मैं चुनाव कल लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। राजबब्बर जी एक सवाल, कि यूपी में महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल होगी, सैद्धांतिक सहमति बन गई, सीटों को लेकर भी कुछ आपकी तरफ से है? देखिए आपने अभी एक पढ़ा है, अब आप देखिए। राजबब्बर जी एक सवाल मेरा ले लीजिए, आसाम से 40 लाख बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात हो रही है, इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय सिर्फ इतनी ही है कि जिन लोगों के पास में कुछ नहीं है वो बेबुनियाद बात करते हैं। पहले वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कर रहे हैं। उन्हीं के बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने ट्वीट किया कि विपक्ष के लोग अब 40 लाख वोटों से पीछे हो गए हैं, ये पहला रिजल्ट आ गया है, इसलिए उनकी करनी जो क्या कथनी और करनी में आपको सामने नजर आ रहा है, ये झूठ का पुलंदे की राजनीति करने वाले, ये किसी भी सोच और प्रतिमाओं को रंग रोगन करने वाले, ये लोग सिर्फ समाज को बांटने का काम करते हैं। बात किसी हिंदू या मुसलमान की या बांग्लादेशी की नहीं है, बात दुनिया के सामने जो हमने एक रिकॉर्ड किया है उसकी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।